नमस्कार, आपका स्वागत है मीडिया दरबार में और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम बुलंदी पर है, सारे देश में हमारा जयघोष जारी है। आज दुनिया भर के तमाम बड़े और शक्तिशाली देश हमारे साथ हैं। आने वाले कुछ सालों में हम विश्व के सबसे ताकतवर देशों में शुमार होंगे। आए दिन यही बातें आपको भी सुनने को मिलती होंगी, लेकिन ये क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब आखिर होगा कैसे? हम एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था तक का सफर तय कैसे करेंगे? ये सवाल बेहद जरूरी है और अभी के हमारी हालिया स्थिति में ये सवाल और भी अहम हो जाते हैं। कोरोना महामारी की भारत में ये दूसरी लहर है। इससे पहले बीते साल लगभग इसी समय देश में कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हुए थे। तब हम इस महामारी से अनजान थे, इससे जुड़ी सुविधाओं की कमी के कारण इसका सामना करने में असमर्थ थे। तब हमारी सरकार के पास भी लॉकडाउन के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं था। लेकिन अब देश में कोरोना की दूसरी लहर है। अब ना तो हम कोरोना से अपरिचित हैं और ना इसके खतरों से अनजान। लेकिन आज भी हमारी हालत में कितना सुधार है, हम कितने तैयार हैं? आज भी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार लोगों के मौत का कारण बन रही है। आज भी ऑक्सीजन की कमी से मरीज दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन दम तोड़ते मरीजों के साथ ही दम तोड़ रही है हमारी खोखली स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारे विकास के झूठे दावे। आपदा को अवसर में बदलने की नसीहत आपको सुनने में जितनी लुभावनी लगती है, उसकी हकीकत उतनी ही चुभन भरी होती है। जो लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण आए दिन किसी अपने को खो रहे हैं, जो लोग अपने परिवार को पैसों के अभाव में दो वक्त का खाना बीते एक साल से नहीं दे पा रहे हों, उनसे क्या कहेंगे आप कि वे भी ऐसी स्थिति में अवसर ढूंढें? आज सवाल कुछ और होने चाहिए। आज सरकार से सवाल ये पूछे जाने चाहिए कि जब देश में आज कोरोना की वैक्सीन मौजूद है, तब भी आखिर क्यों हम इस स्थिति में हैं? जब हम कोरोना वैक्सीन को लेकर इतने आत्मनिर्भर थे कि हम दूसरे देशों तक को कोरोना की वैक्सीन सप्लाई कर खुद की पीठ थपथपा रहे थे, तो सवाल अब ये होना चाहिए कि आज जब कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता को लकवा क्यों मार गया? क्यों हमें आखिर विदेशी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी देनी पड़ी? कोरोना ने जब देश में दस्तक दी थी, तब हम अनजान थे। लेकिन तब भी हम ये जानते थे कि हमारी अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था इसके लिए जरा भी तैयार नहीं है। लेकिन अब जब हम एक बार इस दंश को झेल चुके थे, तो हमने क्या किया? हमारी सरकारें इससे क्या सीख पाई? उन्होंने ऐसे समय के लिए आखिर क्या तैयारियां की? कुछ नहीं। एक बार फिर हमारे देश में वही हाल है। लाशों से भरे शमशान, अस्पतालों के बाहर बैठे मरीज, ऑक्सीजन की कमी से थमती सांसें। हाँ, फर्क महज इतना है कि पिछली बार गलती से जो काम जमाती कर गए थे, वो इस बार जानबूझकर कुंभ मेले में शामिल होने वाले लोग और उसे मंजूरी देने वाली सरकारें कर रही हैं। लेकिन इसे लेकर कोई सवाल नहीं है। आज एक बार फिर हम लॉकडाउन की स्थिति में, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन सवाल है क्यों, क्यों नहीं है? हमने बीते साल के हालातों से सीखने के बजाय इस बार इसे नज़रअंदाज करना सीख लिया है। उत्तर प्रदेश प्रशासन के हालिया रवैये से ये साफ जाहिर है कि प्रशासन अपनी आंखें मूंदे बैठा है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने स्वास्थ्य महकमे के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर स्वास्थ्य सेवाओं की चिंताजनक हालत की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि अगर हालात में जल्दी सुधार नहीं हुआ, तो कोविड-19 रोकथाम के लिए लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। हालत ऐसे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नेताओं तक के फोन नहीं उठा रहे, तो आम लोगों की तो बिसात ही क्या है। अकेले उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री जी खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्हें हर संभव सुविधा दी जा रही है। हम भी कामना करते हैं कि वो जल्द से दुरुस्त हो जाए। लेकिन उनके राज्य की हालत दुरुस्त कैसे होगी, इस ओर कौन ध्यान देगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर लोग पर्ची की लाइनों में खड़े हैं, क्योंकि उन्हें अस्पताल में दाखिला मिलेगा जब वो सीएमओ ऑफिस से पर्ची ले जाकर वहां दिखाएंगे। ये
किसी एक राज्य का नहीं है, देश के हर राज्य से ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। प्रशासन की नाकामियां अब लोगों के गुस्से में तब्दील हो रही हैं। लोग अब सवाल कर रहे हैं। पर्चियों के लिए लगी एक लाइन और है जो देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है, और वो है शमशान के बाहर अपने परिजनों की लाशें लिए खड़े लोगों की, जिन्हें अपने परिजनों को अंतिम विदाई देना तक नसीब नहीं हो रहा। शवगृहों में इतनी भीड़ है कि पूरे पूरे दिन लोगों के नंबर नहीं आ रहे, और वो लाशों के साथ अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश की गंगा आरती का दृश्य शायद ही किसी ने ना देखा हो, लेकिन अब ये दृश्य भी कुछ अलग है। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां शाम के वक्त घाट के पास अब कतारों से जलती लाशों की आग नजर आ रही है। इन सब से अलग देश का वो वर्ग है जो हर रोज की अपनी कमाई पर निर्भर है, जिसका परिवार उसकी रोज की कमाई से चलता है। ऐसे में वो दोनों हाथ जोड़ के ये गुहार लगा रहा है कि कुछ भी हो जाए, इस बार लॉकडाउन ना हो, क्योंकि अगर इस बार ऐसा हुआ तो वो और उसका परिवार भूखे मर जाएंगे। लेकिन इन सब के बाद भी हमें हमारी सरकारों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इनके सारे दावे एक के बाद एक कर धराशाही हो रहे हैं, लेकिन फिर भी देश के एक दूसरे छोर से ये वही वादे दोहराए जा रहे हैं। खैर, अब ऐसे में आप अपने और अपने परिवार का खुद ख्याल रखने के अलावा किसी और से उम्मीद भी क्या ही कर सकते हैं। इसलिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सचेत रहें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी अगली स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।